हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। आज का प्रश्न थोड़ा कठिन रहने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है, इसलिए आप लोग सोच समझ कर जवाब देना। जो प्रश्न आपको आता रहेगा वो तो रिवीजन हो जाएगा, और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कापी में लिख लेना है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और देखो, मैं आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आप लोगों को 1000 जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दूंगा, उसका पीडीएफ भी दे दूंगा और पूरा का पूरा वीडियो भी बनाऊंगा। मैं रोज 100-100 को जीके जीएस आप लोगों को दे रहा था, 300 जीके जीएस दे चुका था, 300 जीके जीएस का वीडियो भी बना चुका हूं और इसका पीडीएफ भी दे चुका हूं। लेकिन कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि एक ही साथ पूरा का पूरा जीके जीएस करा दो, तो कल मैं 100 को जीके जीएस नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि हमको 700 जीके जीएस एक ही बार आप लोगों को बताना है, तो इस पर अभी मैं काम कर रहा हूं, 700 जीके जीएस का पीडीएफ बना रहा हूं। तो थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, मतलब जिस दिन 700 जीके जीएस आप लोगों को दूंगा ना, उससे एक दिन पहले बता दूंगा, जैसे 2 से 3 दिन में पूरा पीडीएफ बना दूंगा, तो आप लोगों को इकट्ठा सारा का सारा जीके जीएस मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना है। अगर ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करोगे ना, तो ये जो 1000 जीके जीएस मैं देने वाला हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें जितना भी प्रश्न जीके जीएस में आप लोगों को कराता हूं ना, तो इन्हीं 1000 प्रश्नों में से सारा का सारा प्रश्न मिलता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना, और 2-3 दिन में वो आपको मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहो। आज 30 प्रश्न देखा जाएगा, सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुरुद्दीन, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कामाख्या मंदिर के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पूरा पीडीएफ भी दे चुका हूं, सारे मंदिरों के बारे में बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका राइट आंसर असम होगा, असम इज राइट आंसर। कामाख्या मंदिर कहां है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोपाल, कृष्ण गोखले, अरस्तु, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी का होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिरण की, घोड़े की, ऊंट की, व्हेल की। आप लोग तो व्हेल की मार दिए होंगे, मैं आप लोग का फीलिंग समझ रहा हूं, मतलब आधे से अधिक लोग व्हेल पर तुरंत ट्रिक मार देंगे, लेकिन व्हेल वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हिरण होगा, हिरण इज राइट आंसर। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी का होता है? हिरण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेना का सर्वोच्च पद है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एडमिरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जनरल होगा, जनरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 28 फरवरी और 22 अप्रैल, 1 मई, 31 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 22 अप्रैल होगा, 22 अप्रैल इज राइट आंसर। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, यहाँ पर जोड़ता है होगा, तो जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रीनगर और लेह को, उत्तर प्रदेश और बिहार को, और दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर श्रीनगर और लेह को होगा, श्रीनगर और लेह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? देखो, समाधि स्थल से एक प्रश्न पूछा जाता है, और ये पूरा का पूरा समाधि स्थल मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है मेरे भाई। देखो, ईमानदारी पूर्वक से याद करोगे तभी फौज का सपना पूरा हो पाएगा, तभी आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, शांतिवन, विजय घाट, राजघाट, किसान घाट। इसका राइट आंसर शांतिवन होगा, शांतिवन इज राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1901, 1968, 1954, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1901 होगा, 1901 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखो, कल शायद 12 से 1 बजे के बीच में ट्रॉफी के बारे में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ भी दे दूंगा। इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल
सवाल पूछे जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया, ये तो पूरा अलग ही दे दिया है भाई। इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा, क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक केचुए का शरीर होता है, एक केचुए का शरीर कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, खंड युक्त, जमकीला, पतला और शरीर सभी। इसका राइट आंसर खंड युक्त होगा, खंड युक्त इज राइट आंसर। यहाँ पर ये सभी होगा लेकिन यहाँ शरीर लिखा गया है, पहलवान भाई टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुगल वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश और मंगोल साम्राज्य। इसका राइट आंसर मंगोल साम्राज्य होगा, मंगोल साम्राज्य इज राइट आंसर। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? मुद्रा से एक प्रश्न पूछता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिनार, टका, एन, रियाल। इसका राइट आंसर रियाल होगा, रियाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1916, 1917, 1919, 1920। इसका राइट आंसर 1917 होगा, 1917 इज राइट आंसर। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1917 को ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, धुआं, कीचड़, कोहरा, बादल। इसका राइट आंसर कीचड़ होगा, कीचड़ इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना, और सामान्य विज्ञान का भी गिनती करना है, ये भी आप लोगों को अंदाजा लगाते रहना कि हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा है या सामान्य विज्ञान अच्छा है। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका राइट आंसर पोटेशियम परमैंगनेट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट इज राइट आंसर। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। कभी कभी लाल दवा का सूत्र पूछ देता है, KMnO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कुलाम, प्रकाश वर्ष, अश्वशक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अश्वशक्ति होगा, अश्वशक्ति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र, ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर और केस्कोग्राफ। इसका राइट आंसर बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर इज राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। और दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, थॉमसन, मोसले, जॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जॉन डाल्टन होगा, जॉन डाल्टन इज राइट आंसर। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो ये जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया ना, अध्ययन से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उसका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, उसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस याद करते रहो। आपके सामने चार ऑप्शन है, ओस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एंटोमोलॉजी होगा, एंटोमोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर का वैज्ञानिक नाम है? देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, कभी मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो उसको भी आप लोगों को याद करना है, वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में करा दूंगा। अभी 20 से 22 दिन का टाइम है ना, जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे टॉपिक को मैं करा दूंगा, ठीक है ना, और वो भी आप लोगों को इकट्ठा मिल जाएगा। मैं तो बहुत सारे बुक में खोजूंगा, इंटरनेट पर खोजूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, फेलिस कैटस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पैंथेरा लियो होगा, पैंथेरा लियो इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका होमो सेपियंस है, और मेढक का क्या है, तो मेढक का राना टिग्रिना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन में होती है, मतलब बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, दोनों नहीं, और दोनों गतिज तथा स्थिर दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थिर ऊर्जा भी होती है। कहां होती है? बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब फौज में भर्ती हो जाओगे तो बंदूकीय गोली चलाना पड़ेगा, इसलिए ये प्रश्न आप सभी लोग को याद होना जरूरी है। बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थित ऊर्जा भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस से कौन सा ग्लास बनता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, सामान्य ग्लास, पिरेक्स ग्लास, फ्लंट ग्लास और कोबाल्ट ग्लास। इसका राइट आंसर फ्लंट ग्लास होगा, फ्लंट ग्लास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शंस है, आइंस्टीन, और नीचे तीन ऑप्शन दिया है, न्यूटन, रोमर और गैलीलियो। इसका राइट आंसर रोमर होगा, रोमर इज राइट आंसर। प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझते हुए चलना। प्रश्न बोला गया है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, रोमर ने किया, रोमर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फल पकाने में सहायक हार्मोन है? देखो ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और आप लोगों को आसानी से ये प्रश्न याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जैसे फल पकता है लेकिन कैसे पकता है, उसमें क्या हार्मोन पाया जाता है, ये आप लोगों को नहीं पता है। प्रश्न आसान है, देखो जो प्रश्न आसान रहता है ना उसका आंसर याद करने में मजा आ जाता है, और जो प्रश्न में नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर भी नहीं याद होता है, इसलिए इसको अपने दिमाग में आप लोगों को सेट कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लिब्रेलिन और फारफेक्टिन, एथिलीन, यहाँ एथिलीन नहीं रहेगा, एथिलीन रहेगा, इसको अपने कॉपी में एथिलीन लिख लेना, और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एथिलीन होगा, एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हाइजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और तपेदिक। इसका राइट आंसर हाइजा होगा, हाइजा इज राइट आंसर। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? हाइजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आयरन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन द्वारा होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा इज राइट आंसर। अभी 29 नंबर वाला प्रश्न है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मक्खन, यकृत, अंडा और सभी। तो इसका राइट आंसर सभी होगा, सभी इज राइट आंसर, क्योंकि डी में ना विटामिन डी में मक्खन भी पाया जाता है, यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है, अंडा में भी विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? ये आखिरी प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट और जिंक फास्फाइट। इसका राइट आंसर जिंक फास्फाइट होगा, जिंक फास्फाइट इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का आईडी हमेशा चेक करते रहता हूं। जब आप लोगों का जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मुझे आप लोगों से बात भी करना है ना, तो अब मैं आप लोगों का आईडी पहले ही चेक करके रखा रहूंगा, तो हाँ हमें लगेगा कि हाँ ये भाई हमारे मतलब चैनल से पढ़ाई करते थे, आज फौजी बन गए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी मतलब बोलते हो नीलेश भाई आपसे बात करना है, तो आपका भी एक सपना पूरा हो जाएगा। वैसे मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मुझसे बात करने पर आपका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे एक अंदर मोटिवेशन मिलेगा भाई। देखो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, पूरा का पूरा आंसर की भी नीचे दे दिया गया है, एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल से ये पूरा का पूरा पीडीएफ देख लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरा ट्रिक के साथ आने वाला है, ठीक है ना, इंतजार करना। और जो 1000 जीके जीएस है ना उसके लिए तो अभी आप लोग को 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, उस पर अभी काम चल रहा है। 700 जीके जीएस जब इकट्ठा कर लूंगा तो एक दिन पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, एक दिन पहले आप लोग को तैयार हो जाना है, ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक से सारा का सारा प्रश्न देख लेना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।